थाना मछरेटा के ग्राम आदिलपुर में रविवार को हुई खाद रसद गोदाम में चोरी का खुलासा और दो आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने अपनी पीठ तो थपथपा ली है, लेकिन इस संदिग्ध चोरी का खुलासा क्षेत्रवासियों के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि गोदाम प्रभारी पारुल यादव के बयान के अनुसार ना तो गोदाम का ताला टूटा था और ना ही चोरों ने नकब लगाई। फिर आखिर चोरों ने चोरी की तो कैसे? और इस मामले को आरोपी ललित के बयान ने और ज़्यादा संदिग्ध तब बना दिया जब उसने गोदाम प्रभारी पारुल यादव के कहने पर ही चोरी की बात स्वीकार की। क्षेत्रवासियों के जेहन में ये बात नहीं उतर रही कि आखिर बिना ताला तोड़े या नकब लगाए बिना चोरी कैसे हुई। हमका निकारी नहीं, गोदाम तेरे दीने है, हमारे समय है निकाल के, यहाँ ताला खोल के दीने है। हमका दीना है 11 बोरी, तुरंत 100 नंबर आ गए। जब सुनो ऐसी बात हुई गई, जब यह जो घर बना ये लिहन देखी, तब मैडम तुरंत जब रोज निकलती रहें, ठीक है, रोज निकाल निकाल देती रहें, और जब वह देख ली सी तब तुरंत जब जानी मैडम की अब हम फंस गए ना, तो भाई फोन कर दी माते ने कि हमारी बचत हो जाए। और अगर आरोपियों के पास ताले की चाबी थी तो आखिर वो चाबी उन्हें कहाँ से मिली? कहीं इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और तो नहीं, जो अभी तक पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर है। फिलहाल थाना अध्यक्ष मछरेटा ओम प्रकाश तिवारी का कहना है कि मामले की जाँच अभी चल रही है, मामला संदिग्ध है, जो भी संलिप्त है जल्द ही पकड़ा जाएगा। आई इंडिया के लिए मछरेटा से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।